क्या है ये इंडी अलायंस, एक कहावत है हिंदी में, चोर चोर मोसेरे भाई। आम आदमी पार्टी जो आई थी राजनीतिक वजूद जिसका बना था कांग्रेस के भ्रष्टाचार का विरोध करते हुए, आज वो कंठ तक सर से लेके पांव तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। इतने घोटाले कर लिए, इतनी श्रृंखला लंबी है कि आज भी वो जो 500 करोड़ का क्लब जो आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी एक ब्लैक डायरी में झलकाया करते थे माननीय मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी की गवर्नमेंट पर प्रहार करते हुए, आज उनकी मेंबरशिप की एलिजिबिलिटी आम आदमी पार्टी की हो गई है। तो ये जो स्वार्थ पे इन्होंने ये एक अलायंस बनाया है, ये भी आप देखिएगा, ये चलेगा नहीं। और देखिए कितनी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो एक वक्त एक नेशनल पार्टी होती थी, आज वो एक जूनियर मेंबर की हैसियत में सिमट के रह गई है। पंजाब में तो अलायंस तक नहीं करा है इन्होंने, तो इसलिए कतई हमारी चुनौतियां बढ़ेंगी नहीं। हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की विकास की नीतियों पर भारत की जनता, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत। कुलदीप कुमार जिनके बातों पर अब सीधे आपका जवाब, वो कह रही है चोर चोर मौसेरे भाई, ये कहावत उनकी ओर से कहा गया, और क्या कठिन नहीं होगा क्योंकि इस तरह का फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में दो लड़कों के जरिए 2017 में हमने देखा, 2019 में बड़े बड़े जातियों के अलग अलग वोट बैंक के जरिए भी हमने देखा, लेकिन बीजेपी को जब नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने हो तो हराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कुलदीप जी, आपको लग रहा है कि इस बार परिस्थितियां बदल जाएंगी? देखिये चित्रा जी, पहले तो ये देश जानता है कि चोर चोर मोसेरे भाई कौन है, और सारे चोरों की जमात जो है वो भारतीय जनता पार्टी में इकट्ठा हो गई है, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे वो नारायण राणे हो, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे वो अभी अशोक चव्हाण हो, सारी की सारी जमात जो है वो भारतीय जनता पार्टी में इकट्ठी हो गई है। और आज सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देश भर के लोगों को ये बधाई देना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कि आज आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का अलायंस हो चुका है। और जो बांसुरी जी की बौखलाहट आप देख रहे हैं, ये बौखलाहट इसलिए है क्योंकि इनको पता है कि ये जो इंडिया अलायंस है, जो अलायंस आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उसके बाद बहुत बस से बदतर होने जा रही है, और इंडिया अलायंस निश्चित रूप से अभी मजा आएगा ना भिड़ो 2024 का चुनाव जीतेगा, क्योंकि इंडिया अलायंस के पास विजन है, और देश ने देख लिया कि 9 साल में भारतीय जनता पार्टी ने देश को कोई भी ऐसी सौगात देने का काम नहीं किया, जो जो वादे किए थे, चाहे वो लोगों को रोजगार का वादा किया हो, चाहे वो स्वास्थ्य का वादा किया हो, चाहे महंगाई कम करने का वादा किया हो, चाहे वो कर्ज लाने का वादा किया हो, एक भी वादा भारतीय जनता पार्टी ने पूरा करने का काम 9 वर्षों में नहीं किया। लेकिन चैनल पे आज कह रहा हूँ, आज ये जो अलायंस हुआ है, इस अलायंस के बाद 2024 के चुनाव की स्थिति बदल जाएगी, 2024 के चुनाव की स्थिति बदल जाएगी, और निश्चित रूप से इंडिया अलायंस पार्टी यहाँ पर कई राज्यों में क्या जूनियर भूमिका में आ गई है, जैसा कि बांसुरी स्वराज जी की ओर से कहा गया है कि जूनियर पार्टनर बन गई है कांग्रेस। चित्रा जी, अवल तो आपके शो में शिरकत करने का मौका दोबारा से मिल रहा है, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और बांसुरी जी ने कहा कि चोर चोर मसेरे भाई, तो मसूरे भाई चोर चोर कौन है तो सारी जनता जानती है, और कौन से भाई माननीय प्रधानमंत्री और माननीय नीतीश कुमार जी जो एक दूसरे का डीएनए टेस्ट कर रहे थे, या माननीय भाजपा के सारे मेंबरान और पीडीपी के उस वक्त चोर थे, अब चोर नहीं है पीडीपी जब गठबंधन हुआ, और अजीत पवार जी वगैरह मैं उसमें नहीं जानना चाहता हूँ, आपके प्रवक्ता ने उसके बारे में बात कर दिया। जहां पर भी आप भारत में जाओ, जिस किसी भी सूबे में जाओ, दिल्ली में जाओ, पंजाब में जाओ, लोग एक ही चीज कहते हैं, सबसे बड़ी भूल कमल का, और सब जगह एक ही वादा चलता है। जहां पर भी माननीय प्रधानमंत्री या भाजपा के चित्र लगते हैं, क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा, ये गाने सब जगह चल रहे, एक भी वादा नहीं निभाया। और जब भी इस देश पे कोई आपदा आई, जब भी भाजपा वहां से गायब हो गई। आप सोचिए, पहले खुद ही आपदा लाए नोटबंदी करते, फिर जब कोविड का पहला लॉकडाउन हुआ तब जो मजदूरों के साथ हुआ, फिर जब सेकंड लॉकडाउन में ऑक्सीजन पे टैक्स लगाया, अब जो हार्ट अटैक का पेंडेमिक, कैंसर का पेंडेमिक इस देश में चल रहा है, उस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा, पोल्यूशन पे कोई कुछ नहीं बोलेगा, लोग आज तरस रहे हैं, नौकरियां नहीं है और सरकार डिसअपीयर हो रही है, और किस बात की खुशी? बीजेपी जैसी 56% से ज्यादा वोट शेयर हासिल करने वाली पार्टी, राजधानी दिल्ली की सीटों की मैं बात करूं, अगर आप दोनों मिल भी जाएंगे तो आपको लग रहा है कि उनके लिए मुश्किल? ये बड़ी अच्छी बात कही आप, पैदा कर पाएंगे तहसीन जी? तीन चार सवाल आपने जोड़ दिया, मैं उसका मैं कोशिश करता हूँ संक्षेप में जवाब दूं। सबसे पहले 56% बिल्कुल मिला है भारतीय जनता पार्टी को, माननीय प्रधानमंत्री जी के मुंह पर मिला, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या इसका मतलब है अब भी 56% मिलेगा? ये भी हो सकता है ना 56% इस बार कांग्रेस आपको मिल जाए, एक बार कांग्रेस को भी 400 सीटें मिली थी और भाजपा 2 पर आ गई थी, तो ये तो हर चुनाव में चेंज होते रहता है। और जो मैंने आपको बताया माहौल है, सबसे बड़ी भूल कमल का फूल, तो ये माहौल दिल्ली में दिख रहा है। दूसरी बात जो आपका सवाल था, मान लो हाइपोथेटिकली चित्रा जी ये अलायंस नहीं होता, मान लो तो आप ही चित्रा जी मुझसे सवाल पूछते और आपके प्रवक्ता से कि आपको भाजपा जैसे एक बड़ी मजबूत दल को हराना आप लोग अलायंस भी नहीं कर पाए, अब अलायंस हो गया तब भी हमसे सवाल पूछे? चित्रा जी मैं कितनी बार आपके शो में आता हूं, आप मुझे हमेशा मौका देती है, और हर बार आपने सवाल पूछा है कि अलायंस होगा कि नहीं, अलायंस हो गया, कोऑर्डिनेटर आ गए, सीट्स डिक्लेयर हो गई, भाजपा का क्या हो रहा है? ये सवाल भाजपा से क्यों पूछा नहीं जाता? भाजपा करे तो चमत्कार, कोई और करे तो गुनहगार, ये तो नहीं चलेगा। इनकी चाणक्य नीति हमारे गांधी की नहीं।